जोहार दीदी, जोहार। बात बताइएगा, कोहर दीदी बनने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? कोहर दीदी बनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, काहे कि हम एक कोहर बन के सब दीदी से उठना बैठना जो मेरे पर डर था या भय था लाज था वो हटा। दीदियों के साथ बैठक करके या ट्रेनिंग लेके हमको बहुत शिक्षा मिला। शिक्षा में जैसे कि हम लोग गांव स्तर पर कुछ नहीं जानते थे, जैसे कि छुआछूत होता है, भेदभाव होता है या जातीयता पर वो होता था, उसको हम लोग ऐसा करते थे। छुआछूत गांव स्तर पर होता है वो, उसको हम लोग सीखे। फिर शिक्षा में भी कहीं भेदभाव होता है कि ऊंच जाति का को अच्छा से शिक्षा मिलता है, नीच जाति को कभी बाहर भी बैठाया जाता है या खान पान में जैसे कि मध्याह्न भोजन पर भी उसको बाहर दिया जाता है, ऐसा होता है। और अगर धर्म में भी वो पक्षपात होता है कि ये धर्म को नहीं मानना है, ये धर्म को मानना है आपको, वैसा वैसा हम सीखे कि सभी धर्म को सब जात मान सकते हैं, उसमें कोई मैंने पाबंदी नहीं लगाया जाएगा, वो स्वतंत्र है। मैंने नागरिक किसी भी धर्म में मैंने मान सकते हैं किसी भी धर्म को, या छुआछूत वैसा नहीं करना है, सबको समान अधिकार है या मौलिक अधिकार है। किसी सब दीदी का खाना है कोई भी चीज़ को, अगर स्कूल पढ़ना है तो स्कूल में भी सब जात के लोग पढ़ सकते हैं, उसमें भी जातीयता नहीं देखा जाएगा। और जैसे बोलने का अधिकार, बोलने में भी हम मैंने किसी को दबाव नहीं बोल सकते हैं कि आप नहीं बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी से भी हम मिल के अच्छा से बात कर सकते हैं, ये हम सीखे। पहले तो ऐसा नहीं जानते थे कि बड़ों के पास थोड़ा कैसे बोले, वैसा करके डर लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, सबके पास हम खुल के बोल सकते हैं, सही या गलत हम बोल सकते हैं, वो अच्छा लगा हमको। और ये संविधान के बारे हम लोग नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत तो जानते थे लेकिन इतना हम मेरा हक अधिकार क्या है उसको नहीं जानते थे, लेकिन यही हम कोहर दीदी बन के हमको ये सब अधिकार पता चला, कैसे अनुच्छेद धारा अधिनियम वो सबको हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन हम ट्रेनिंग करके हमको ये सब शिक्षा मिला, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्र, संप्रभुता, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम था। ये संविधान का प्रस्तावना हम पुस्तक पढ़ के, संविधान का पुस्तक पढ़ के हमको अभी भी याद लगता है, पूरा बोल तो नहीं पाएंगे लेकिन अधूरा संविधान का प्रस्तावना हम बोल सकते हैं बोल के बताना चाहेंगे? थोड़ा, लेकिन मिस्टेक होगा बीच में, कोई बात नहीं, हाँ बोल सकते हैं। बोलिए। संविधान का प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बोले, बहुत ही सुंदर। ये थोड़ा याद किए हैं पढ़ के ही, वो अच्छा लगता है जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे कि हम लोग पहले आवेदन बनाने नहीं जानते थे, जैसे कि पहले हम लोग उसमें आवेदन बनाते थे तो सेवा में करके लिखते थे, तारीख नहीं लिखते थे, और उसमें कैसे कि पहले सेवा में लिखते थे, फिर सविनय निवेदन लिखते थे, तो कृपा करे, कष्ट करे, आपका आभारी हूँ, ऐसा करके हम लोग लिखते थे, कहे कि हम अपना लिख रहे हैं, वो हमारे लिए तत्पर हैं, बैठे हैं एक नौकर की तरह, जब पब्लिक जाएगा तब ना वो उसका काम होगा, हम ही लोग नहीं जाएंगे तो उसका कैसे काम होगा। तो उसमें हम लोग वो बदलाव लाए कि आवेदन लिखने में कि उसमें हम लोग प्रति करके लिखते हैं, तारीख देते हैं, संविदा निवेदन नहीं लिखते हैं उसमें, और जो कष्ट है कष्ट करते कर लिखते हैं, वो बदला बदला हुआ, और
आपका आभारी, वो हम्म, सब बदलाव आया है वैसा करके हम लोग, और उसमें हम लोग कैसे धारा अनुच्छेद अधिनियम कैसे लिखे जो हम लोग का जो आवेदन वो भारी हो वैसा हम लोग सीखे, वो अच्छा लगा। हम लोग कभी नहीं सीखे थे, इतना नहीं सुने थे कैसे हम लोग आवेदन को मोटा बनाए या वजन बनाए वैसा नहीं जानते थे, लेकिन यही कोहट बने उसके बाद ये ट्रेनिंग सब मिला, उसमें हम लोग कितना सीखे और सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।